दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पहुंच चुके हैं दरजांग डैम और यहां दिखाने वाले हैं आपको पूरा नज़ारा इस डैम का। ये डैम 1978 में बनाया गया था और ये उड़ीसा का काफ़ी पॉपुलर डैम है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आप कभी अंगुल विजिट करने आते हैं तो इस डैम को ज़रूर देखिए, काफ़ी मस्त नज़ारा है और देखने में काफ़ी रोमांचक है। अगर आप बाइक राइड करना पसंद करते हैं तो ये डैम आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ आप बाइक से आराम से पूरे डैम को देख सकते हैं। इस डैम का पूरा कैचमेंट एरिया लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। जब दरजांग डैम आते हैं तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर दरजांग डैम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा चीज़ मेंशन किया हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अंगुल में। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा नदी पे है तो वो भी दिया हुआ है, लिंगारा और मटालिया रिवर पर स्थित है। और साथ ही आपको कैचमेंट एरिया जो मैंने बताया वो भी यहाँ दिया हुआ 399 स्क्वायर किलोमीटर का, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा कैचमेंट एरिया। और साथ ही इस डैम से कितने लोगों को फ़ायदा होता है, यानी कि कृषि में क्या इसका योगदान है, वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। कितना एरिया इरिगेटेड होता है खरीफ के टाइम पर, रवि के टाइम में कितना इरिगेटेड होता है, आप पूरा देख सकते हैं इस बोर्ड पर। ज़्यादातर लोग बाइक से आना पसंद करते हैं क्योंकि पैदल चलना, पैदल इसको पूरा कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है और एरिया काफ़ी बड़ा है, तो बाइक से चलना काफ़ी आरामदायक होगा और नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। दोस्तों के साथ इधर बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए पूरा जगह बनाया हुआ है। दरजांग डैम के पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा जंगल एरिया, नीचे कुछ पिकनिक स्पॉट भी बनाए हुए हैं लेकिन एरिया पूरा जंगल से भर चुका है, मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ आके पिकनिक मना सकते हैं। एंट्री गेट से कुछ 1 किलोमीटर दूर आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, काफ़ी रोमांटिक नज़ारा है और पानी की लहरें जो दिखाई दे रही है काफ़ी रोमांचक है। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद नज़ारा और भी काफ़ी अच्छा दिखने को लगता है। यहाँ से पानी का लेवल काफ़ी सामने दिखता है और आसपास का जो एरिया है और भी शानदार दिखने लगता है। वाटर लेवल काफ़ी नज़दीक है और पानी की जो लहरें हैं उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। यहाँ से जंगल का एरिया भी काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, पूरा हरा भरा पेड़ है और शायद यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है, उसके लिए पत्थर की चादर बिछाई हुई है। ये रहा पूरा डैम एरिया, यहाँ से पानी के बीच में बैरिगेशन किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, ये भी काफ़ी रोमांचक है और यहाँ से बैठ के आप लुत्फ़ उठा सकते हैं पूरे नज़ारे का। यहाँ से अंदर जाने का भी रास्ता है लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड डाला हुआ है प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ से अंदर जाना मना है, रास्ता है लेकिन अंदर जाना मना है। और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंटेन क्लीननेस वाइल विजिटिंग द एरिया, जब आप इस एरिया को विजिट करते हैं तो इसके क्लीननेस को मेंटेन कीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कितना गंदा करके रखा हुआ है इस एरिया को, जो भी लोग विजिट करने आते हैं वो पूरा बॉटल्स इधर उधर फेंक देते हैं। साफ़ सफाई का भी काम चल रहा होगा, यहाँ एक साइकिल खड़ी है जिसपे बॉटल के पूरे बैग्स हैं, यानी कि लोग विजिट करते हैं, एरिया सुंदर देखते हैं तो लोग आते हैं लेकिन उसको गंदा करके छोड़कर चले जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना करें और आइए घूमिए और बिंदास रहिए। तो दरजांग डैम का नज़ारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें कहीं ज़्यादा मोटिवेट करता और अगला वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता, तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।